एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई IVF जर्नी पर। आज जो मेरा टॉपिक ये है कि एक IVF फेल होने के बाद दूसरे IVF में हमें किस तरह से कितने टाइम का गैप रखना चाहिए, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। बहुत टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आई हैं, वो इस वजह से क्योंकि मुझे 9th month स्टार्ट हो गया है, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी, तो अभी वो पहले से कुछ बेटर है, तो इसीलिए आज मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उनको इस अगर इन्फॉर्मेशन अगर इससे रिलेटेड चाहिए तो उनको कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपका IVF फेल हो जाता है और आप सेकंड IVF के लिए जा रहे हैं, मतलब कि सेकंड उसके, इसमें मोस्टली हमें जो है 3 chances मिलते हैं। अगर एक हमारा जो है एक साइकिल फेल हो जाता है तो सेकंड साइकिल के लिए अगर हमें जाना है तो उसमें 3 chances जो मिलते हैं, तो सेकंड चांस के लिए जब हम जा रहे हैं तो ये जाना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। यही हमारा सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी, यही बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि एक IVF फेल होने पर आप सेकंड के लिए जा रहे हैं, और सेकंड अगर फेल हो जाता है कईयों का तो वो थर्ड के लिए जा रहे हैं, तो यही आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। इतनी हिम्मत को कलेक्ट करना बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो जब अगर आपका एक IVF फेल हो जाता है तो सेकंड IVF में आपको जो गैप रखना है, तो गैप रखने की बजाय, देखिए इसमें गैप से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके एम्ब्रियोज पहले से फ्रिज हैं तो वो साथ के साथ भी आपका IVF जो है सेकंड कर सकते हैं, और अगर आपके एम्ब्रियोज सिर्फ एक या दो ही बने थे और वो पहली बार में ये ट्रांसफ़र हो गए थे, अभी आपका कोई एम्ब्रियोज नहीं बचा है, आपको फिर से स्टिमुलेशन वगैरह के इंजेक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद सारा प्रोसीजर आपको दोबारा करना है, तो उसमें टाइम लग सकता है, तो उसमें जो है गैप तो अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पहले से एम्ब्रियोज फ्रिज हैं, कईयों के 5-6 एम्ब्रियोज बन जाते हैं एक बार में, 1 या 2 ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो काफ़ी बच जाते हैं, तो वो साथ के साथ भी जैसे ही हमारा पीरियड आ जाते हैं और पीरियड आने के बाद फिर से वो हमें स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका IVF फेल हो जाता है, तो IVF फेल होने का कारण क्या है, मैं आपको बहुत बार वीडियोस में बता चुकी हूँ कि IVF फेल होने का कारण, सबसे पहले अगर आपकी एग क्वालिटी अच्छी है, आपका जो है एम्ब्रियोस बहुत अच्छे ग्रेड के बने हैं, आपकी यूट्रस की लाइनिंग बहुत अच्छी थी, ये सारी चीज़ें जब अच्छी थी तो कुछ फैक्टर्स इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपकी जो लैब है जहाँ पर एम्ब्रियो बने हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो लैब कैसी थी। अगर क्योंकि बहुत से पर्सन ऐसे हैं उनको डॉक्टर ये बता देते हैं कि आपका जो है एम्ब्रियो जो है इतने ग्रेड के बने थे, तो अगर इतने इस ग्रेड के बने थे तो आप जो है उसको रिटर्न में लीजिए और उसकी पिक्स भी आप ले सकते हैं, उनसे ये मांग सकते हैं कि हमारे जो एम्ब्रियोज हैं वो उनकी पिक हमें वो सेंड करें, क्योंकि उसमें जो पिक्स में हम अच्छे से देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफ़र है वो ए ग्रेड का है, बी का है, सी का है, डी का है। मैं यहाँ पे पिक्स डाल दूँगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ए ग्रेड के जो होते हैं वो कितने क्लियर नज़र आते हैं बी के, सी के, डी के। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा फैक्टर करती हैं, डॉक्टर हमें ये बोल देते हैं, हम उनके पास जाते हैं, हम उन्हें ये बोल देते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक था लेकिन फिर भी हमारा ट्रांसफ़र हमारा फेल क्यों हो गया IVF, तो वो बोलते हैं कि कई बार कुछ रीजंस नहीं होते, तो ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का रीज़न होता है और हमें वो रीज़न जानने का पूरा हक है। हमने इतने सारे पैसे लगाए हैं अपनी बॉडी से, इतने ज़्यादा हमने इंजेक्शंस वगैरह, हमने खुद जो है काफ़ी कुछ फेस किया है, तो ये जानना हमारा पूरा हक बनता है कि हमारा IVF क्यों फेल हुआ। तो इसका रीज़न तो सबसे पहले या तो एम्ब्रियो में क्वालिटी में कुछ डिफरेंस होता है, या फिर उसके अलावा हमारी यूट्रस की लाइनिंग में डिफरेंस होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर हम एक प्लांट को अपने जो है घर में लगा रहे हैं तो प्लांट में हमें क्या चाहिए, एक तो जो सीड है, सीड यानी कि जो एम्ब्रियो है उसको सीड बोलेंगे, उसके अलावा जो है जहाँ पर हम उसको डालेंगे यानी कि यूट्रस जहाँ पर उसे हम इम्प्लांट कर रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए, तभी वो जो है प्लांट जो है वो आगे ग्रो करेगा। तो इन चीज़ों में दो ही चीज़ें फैक्टर करती हैं, या तो यूट्रस या फिर एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के बारे में अच्छे से जानना, अच्छे से उसकी पिक लेना, आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपको एक जगह पसंद नहीं आ रहा है, आप दूसरी जगह जा रहे हो, तो वो सारे रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए।
तो ये रिकॉर्ड अगर आपके पास होंगे तो आपको ये जानने में बहुत हेल्प मिलेगी कि आपका जो है फर्स्ट IVF फेल क्यों हुआ है। तो उसके अलावा आपकी यूट्रस की लाइनिंग वगैरह वो सब चेक करना चाहिए, उसमें कुछ फ्लूड तो नहीं आ रहा है। अगर हेड्रोसल्फिन की प्रॉब्लम है तो ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपके जो फाइब्रॉइड्स हैं वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फाइब्रॉइड्स जो हैं वो कौन सी जगह पे हैं। अब जैसे जो मुझे फाइब्रॉइड्स थे वो बाहर की साइड्स थे, जो अगर फाइब्रॉइड बाहर की साइड्स होते हैं तो वो इतने इफेक्ट नहीं डालते, अगर फाइब्रॉइड अंदर की साइड होते हैं तो वो हमारे इम्प्लांटेशन पर या अगर बेबी ग्रो भी कर रहा होता है तो उस पर इफेक्ट डालते हैं। तो इस तरह से आपको फाइब्रॉइड्स वगैरह के अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं आपको ये बोलूँगी कि जब आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो ट्रांसफ़र करवाने से पहले आपके जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट है, आपका वेट कितना है, आपकी जो है थायराइड या शुगर तो नहीं है, तो वो उसे ठीक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर देखेंगे तो आपका अगर फर्स्ट IVF फेल हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि आपका सेकेंड IVF फेल होगा। तो क्योंकि फर्स्ट IVF में अगर 30 से 50% तक, 35 से 50% तक चांसेस होते हैं, तो नेक्स्ट में वो 70 से 80% तक चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए सेकंड और थर्ड में ये 70 से 80% तक चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर जो है आपका सब कुछ ठीक है तब भी आपका IVF फेल हो रहा है। कुछ जो है स्पर्म्स की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, आपके हस्बैंड जो है वो ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो इसका भी इफ़ेक्ट उस पर पड़ता है। कई बार हम टेस्ट करवा लेते हैं, सब कुछ ठीक होते हैं, उनकी क्वालिटी ठीक होती है, लेकिन बाद में भी अगर हम इस प्रोसीजर के चलते, तो अगर मैं आपको बोलूँगी अगर वो ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उन्हें बोलिए कि जब जब तक ये प्रोसीजर चल रहा है एटलीस्ट 6 मंथ तक, उससे पहले और उसके बीच में 6 मंथ तक उन्हें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि टेस्ट में जब सब कुछ नॉर्मल आता है, लेकिन जब हम सैंपल देते हैं तो उसमें भी वैसे तो डॉक्टर चेक करते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। क्योंकि एम्ब्रियोस तो जो है वो इन दोनों चीज़ों को मिलकर ही बनेगा, तो एम्ब्रियो जो है उसकी क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है। अगर ये सब कुछ भी ठीक है, डॉक्टर ने आपको पिक्स भी दे दिए, रिकॉर्ड भी आपको दे दिया है, आपके पास सारी नॉलेज भी हो गई है, तो भी एम्ब्रियोस में अगर कोई दिक्कत है तो उसका एक तरह से टेस्ट होता है, PGT टेस्ट होता है, वो टेस्ट करवाना कंपलसरी होता है। वो टेस्ट आप करवा सकते हैं ताकि उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, वो आप पता कर सकें। तो अगर उसमें कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है तो सेकेंड IVF में भी अगर वो प्रॉब्लम आएगी तो सेकेंड IVF में जाने से, उसका पैसा बर्बाद करने से और आपको इंजेक्शन्स इतना सब कुछ फेस करने से आपको जो है कोई बेनिफिट नहीं होगा। और अपना स्ट्रेस लेवल आप कम कीजिए, स्ट्रेस लेवल कम करेंगे तभी आपको जो है बेनिफिट होगा। और सेकेंड IVF में उसके चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि बहुत से हमें मेडिसिंस दी जाती हैं जिससे हमारा हार्मोन्स लेवल जो है वो बेटर हो जाता है पहले से। तो इसीलिए आप जो है अगर फर्स्ट IVF से सेकेंड IVF में जा रहे हैं तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। और उसके अलावा फर्स्ट से सेकेंड में जब आप जा रहे हैं तो उसमें गैप अगर आप रखना चाहते हैं, अपने आप को मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली अगर आप प्रिपेयर होना चाहते हैं तो उसमें आप फर्स्ट से सेकेंड मंथ का गैप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एंड्रोमेट्रोसिस या एंड्रोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम है तो आप गैप कोशिश कीजिए। अगर आपके एम्ब्रियोस पहले से फ्रिज हैं, ठीक हैं, आपको सारी जानकारी मिल चुकी है, तो आप ज़्यादा गैप ना रखें। तो आई होप कि आपको आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिल गए होंगे। अगर फिर भी उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर, मैं आपकी मेल आईडी यहाँ पर डाल दूँगी। अगर आपको कुछ भी मेरे से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। राधे राधे।